हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यार आपको बतानी थी। वो ये थी कि माइका, बहुत सारे बच्चों को माइका में रजिस्टर करना होता है, बहुत सारे बच्चों को माइका में अप्लाई करना होता है, तो उसके बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल बताने वाला हूँ यार इस वीडियो के अंदर कि माइका कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। ठीक है, क्या इनका प्रोसीजर है, कैसे माइका में एडमिशन होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सो माई नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, टाइमलाइन के ऊपर बाद में आएंगे, पहले माइका के बारे में बात कर लेते हैं। माइका बेसिकली स्टैंड फॉर मुद्रा इंस्टीट्यूट, माइका का एक तरीके का ये एक्रोनिम है। ठीक है, इससे इसका जो एक्चुअली फुल नेम है वो है मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, और ये अहमदाबाद के अंदर है, यानी कि बेसिकली ये गुजरात के अंदर है, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है एडवर्टाइजिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे कोर्स होता है, मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट नहीं होता, या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट नहीं होता, ये दोनों ही नहीं होते। यहाँ पे जो एक किस कोर्स के लिए फेमस है उसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट PGDMC, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि बेसिकली ये स्पेशलाइज करते हैं अपने आप को कम्युनिकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो, या फिर अगर आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो, ठीक है, ये जनरल MBA के लिए फेमस नहीं है, माइका इज फेमस फॉर इट्स कम्युनिकेशन प्रोग्राम। तो अगर आप अपना मीडिया के अंदर करियर बनाना चाहते हो या एडवर्टाइजिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हो, सो माइका इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। माइका इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर अप्लाइंग टू दिस कोर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसकी टाइमलाइन पर चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना टू स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, आपको कैट जेड या GMAT तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ कैट जेड GMAT देके आप माइका के लिए एलिजिबल नहीं हो जाओगे। आपको माइका का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा जिसकी फीस है समवेयर 2000 रुपीज। ठीक है, तो अगर आप माइका में अप्लाई नहीं करते हो, ये 2000 रुपीज का फॉर्म नहीं भरते हो, तो आपका एडमिशन कंसिडर नहीं करा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, माइका अपना खुद का एक एग्जाम कराता है, यानी कि कैट जेड GMAT पे तो वो आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर होगा। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको MICAT भी देना पड़ेगा, माइका का जो ये एग्जाम होता है वो भी आपको देना पड़ेगा, और इसमें 6 सेक्शंस आते हैं। एक आता है साइकोमेट्रिक होता है इसके अंदर, एक होता है वर्बल एबिलिटी, फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ये सारी चीजें ये माइका के एग्जाम के अंदर होती है। तो ये बस बेसिकली आपको इसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, सिर्फ कैट जेड GMAT देके माइका से एडमिशन नहीं होगा, आपको MICAT के लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले कैट जेड GMAT के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद बच्चों को MICAT और ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और जो बच्चे इसको क्लियर कर लेते हैं MICAT को और साइकोमेट्रिक टेस्ट को, उनको बेसिकली किसके लिए बुलाया जाता है, उनको बेसिकली ये थर्ड स्टेप के लिए बुलाया जाता है, दैट इज ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू के बाद सारे मार्क्स का एक कॉम्पोजिट स्कोर बनाया जाता है, जिसके बेसिस पे एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है, जिसके बेसिस पे बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। और फ्रेंड्स, वो फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर कैसे बनाया जाता है, फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर ऐसे बनाया जाता है, उसमें कैट जेड GMAT को 20% वेटेज दिया जाता है, MICAT को 30% वेटेज दिया जाता है, और बहुत ही ज्यादा मैमथ वेटेज यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू को, यानी कि 50% वेटेज तो इन दोनों को ही दिया जाता है, यानी कि रिटर्न के जो मार्क्स है वो सिर्फ 50% है, और बाकी 50% वो है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। तो अब फ्रेंड्स, एक बार काम करते हैं, एक बार इसकी टाइमलाइन पर चलते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ उसकी टाइमलाइन क्या है फॉर्म भरने की। तो फ्रेंड्स, ये है टाइमलाइन माइका के फॉर्म्स भरने की। इसके अंदर बेसिकली दो तरीके की रजिस्ट्रेशन विंडो होती है, एक होती है रजिस्ट्रेशन विंडो 1 और एक होती है रजिस्ट्रेशन विंडो 2। तो फ्रेंड्स, जो रजिस्ट्रेशन विंडो 1 है वो अगस्त 23 को ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन डू नॉट वरी, और उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रही है नवंबर 20th को, यानी कि बस बिल्कुल ये एंड होने वाली है। तो आप इसके लिए बहुत ज्यादा वरी मत करना, क्योंकि रीजन बीइंग जो ये पहले वाला MICAT 1 है, ठीक है, ये शेड्यूल है 1st December को, तो वैसे भी हम ये सजेस्ट नहीं करते 1st December को लेने के लिए एग्जाम। रीजन बीइंग 25th को आपका कैट का एग्जाम, 2nd को आपका IFT का एग्जाम, तो 1st December को MICAT भी देना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप रजिस्ट्रेशन विंडो 1 में अप्लाई कर देना, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन विंडो 2 भी है, ठीक है, उसके अंदर ये है कि वो डिसम्बर 20th से स्टार्ट होगी, तो यानी कि आपको तब तक पता लग जाएगा कि आपका कैट का एग्जाम कैसा गया है और आप कितनी परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी 30th January को, और उसके बाद February 4 को होगा MICAT 2।
टू, तो यानी कि आई वुड सजेस्ट आपको रजिस्ट्रेशन विंडो टू में जाना चाहिए, क्योंकि तब तक आप थोड़ा सा फ्री हो जाओगे, बाकी कैट जैट दे के भी आपको पता लग जाएगा और एफटी देके कि आपका एक्चुअली आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। और उसके बाद इसका फरवरी 19 को इसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद बच्चों को जीई और पीआई के लिए बुलाया जाएगा, जो मैंने आपको बताया था ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। इसके बाद एक फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर आएगा, जिसके बेसिस के ऊपर एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। तो फ्रेंड्स लगे हाथ एक बार इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स माइका कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है, जो इसकी एवरेज प्लेसमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है, यानी कि सब बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी, और जो एवरेज प्लेसमेंट है वो समवेयर 12 टू 13 लाख पर एनएम के अराउंड है, जो बहुत ही अच्छी है। और जो हाईएस्ट थी, वैसे तो हाईएस्ट से आप किसी इंस्टीट्यूट को जज नहीं कर सकते, लेकिन हाईएस्ट जो थी वो इनकी 56 लाख थी, और ये इंटरनेशनल सैलरी थी, और जो ये 12 टू 13 लाख है ये एवरेज डोमेस्टिक सैलरी थी। तो यानी कि इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है फीस के अकॉर्डिंग। अगर आप प्लेसमेंट्स देखो तो ये कॉलेज वर्थ इट है, आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए अगर आपका मीडिया और एडवर्टाइजिंग साइड पे इंटरेस्ट है तो। अच्छा फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यार अगर आप IFT के एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा वरीड हो, फॉर एग्जाम्पल उसकी वोकैबुलरी को लेके और करंट अफेयर्स को लेके, तो ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसपे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की और वोकैबुलरी की अपडेट्स चलती रहती है, तो जिसके बेसिस पे आप इफेक्टिव वे के अंदर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। सोशल मीडिया को मिसयूज करने के बजाय उसका हम बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये पेज फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिसपे हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम की अपडेट्स डालते रहते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स IFT का ऑनलाइन क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर आपको पता ही होगा कि यार 2 दिसंबर को आपका पेपर है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, 100 आवर्स का ऑनलाइन कंटेंट है, आप देख सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर IFT। उसके बाद सारे सेक्शंस के लिए यहां पे वीडियोस अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी इसके साथ अवेलेबल है। और जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो है 3500 रुपीज विदाउट टेस्ट सीरीज एंड 4000 रुपीज विद टेस्ट सीरीज। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, ये सब कुछ था माइका के बारे में। अगर आपको और भी कुछ डाउट है माइका के बारे में, अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू एंड ऑल ऑफ योर क्वेरीज एंड ऑल जेन्युइन क्वेरीज। इसके अलावा अगर आप IFT के बैच में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके IFT के बैच में भी एनरोल कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट एंड आई होप यू ऑल गेट इन टू गुड कॉलेजेस। माई बेस्ट विशेस आर विद यू। God bless.